भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेसी जमात संविधान से अधिक प्रेम दिखा रही है। चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखाने और इसकी झूठी कस्में खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वो है कांग्रेस और गांधी परिवार। उन्होंने कहा कि संविधान की कॉपी लहराने से काम नहीं चलेगा, इसे पढ़ना भी पड़ेगा। देश पर आपातकाल का काला अध्याय देश पर कांग्रेस द्वारा थोपा गया था। आपको पाखंड छोड़ना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। आजकल श्री राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेसी जमात संविधान से अधिक प्रेम दिखा रही है। चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखा लें और इसकी झूठी कस्में खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वह है कांग्रेस और गांधी परिवार। 1975 में आपातकाल लगाकर पूरे विपक्ष को जेल में डालकर इन्होंने पूरे संविधान ही बदल दिया। संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की आत्मा कही जाती है, इन लोगों ने संविधान को उसकी आत्मा से ही अलग कर दिया था। पिछले सत्र में मैंने भरे सदन में श्री राहुल गांधी जी और उनके नकलची जमात से पूछा था कि क्या उन्हें ये पता भी है कि संविधान की पुस्तक में कितने पन्ने हैं। राहुल जी, आज मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी जी जिस संविधान की कॉपी लोगों को दिखाते हैं, उन्होंने उसकी भूमिका, प्रस्तावना, प्रीफेस पढ़ा भी है? इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, और इन्हें अगर अकल होती तो पहले संविधान पढ़ते और कम से कम ये जो कॉपी दिखाते इसको पढ़ते। जिसका पब्लिशर का प्रकाशित ये संविधान, ये जो कॉपी है, ये आजकल राहुल गांधी लिए चलते हैं, पहले इसकी भूमिका पढ़नी चाहिए और देश को बताना चाहिए उसमें लिखा क्या है। उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है। भूमिका लिखने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ कानून के जानकार थे, जिन्होंने संविधान को देखा और समझा और परखा है। और एक एडिशन, जो मैं इस एडिशन की बात कर रहा हूं, कि भूमिका में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पूर्व सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल लिखते हैं कि कांग्रेस सरकार न्यायपालिका को धमकाती थी और उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी देती थी।